हेलो गाइज, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्लेवलैंड एबडक्शन। और इस मूवी की कहानी बेस्ड है एक बुक पर, और इस बुक को उसी इंसान ने लिखा है जिसके साथ में हादसा हुआ था। तो आइए, आज की इस मूवी में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है मिचेल से, जो कि एक 21 साल की सिंगल मदर थी। मिचेल का एक जॉय नाम का बेटा था। मिचेल जॉय को अपनी माँ जून के पास छोड़कर जॉब देखने के लिए जाती है, लेकिन मिचेल को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि मिचेल छोटी सी एज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी स्कूल की स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। जब मिचेल घर पर वापस आती है तो जॉय एक अल्कोहल बॉटल के साथ में खेल रहा था, और उस समय मिचेल की माँ भी घर पर नहीं थी। उसके घर पर उस समय एरिक नाम का एक आदमी बैठा था जो कि मिचेल को हरेस करने की कोशिश करता है। फिर जॉय मिचेल को बचाने के लिए आता है तो एरिक उससे धक्का दे देता है, जिस वजह से जॉय को चोट लग जाती है। मिचेल जॉय को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर को जॉय की बॉडी पर और भी कई सारे चोटों के निशान मिलते हैं। डॉक्टर को लगता है कि चाइल्ड एब्यूज का केस है, तो इसीलिए जॉय को अथॉरिटीज अपने पास में उसके सेफ्टी के लिए रख लेती है। अगले दिन मिचेल अपनी दोस्त मारिया से बातें कर रही थी, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोर्ट ने मिचेल को साबित करने का मौका दिया है कि वो जॉय का ध्यान अच्छे से रख पाएगी। अगर मिचेल ये साबित नहीं कर पाती है तो जॉय को किसी अच्छी फैमिली को दे दिया जाएगा जो कि उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर उसी टाइम मारिया के फादर डेविड उसे लेने के लिए आते हैं, और अगले दिन मिचेल को कोर्ट जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसकी माँ जून मिचेल को कोर्ट जाने के लिए मना कर देती है। तब मिचेल को अकेले ही कोर्ट जाना पड़ता है, और मिचेल को रास्ता भी नहीं पता था। कोर्ट का एड्रेस पूछने के लिए मिचेल एक शॉप में जाती है, जहाँ पर उसे मारिया के फादर डेविड मिलते हैं जो कि मिचेल को कोर्ट तक लिफ्ट देने के लिए ऑफर करते हैं। मिचेल भी उसकी लिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उनके साथ में चली जाती है। अब रास्ते में डेविड मिचेल को उसके घर से जॉय के लिए एक पप्पी ले जाने को कहता है। मिचेल भी डेविड की बात मानकर पप्पी को लेने के लिए उसके घर चली जाती है। डेविड का घर बहुत ही ज्यादा गंदा था, और वो घर पर अकेले रहा करता था, और उसके घर में ज्यादा कोई रहता भी नहीं था। डेविड मिचेल को ऊपर के रूम तक ले जाता है, और अचानक मिचेल पर अटैक करके उसको बांधकर सीलिंग पर लटका देता है। डेविड अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेला था, और उसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए था, तो इसीलिए उसने मिचेल को अपना टारगेट बनाया था। मिचेल डेविड को रिक्वेस्ट करती है कि उसका कोर्ट जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो उसका बेटा उसके हाथ से चला जाएगा। लेकिन डेविड मिचेल की कोई भी बात नहीं सुनता है, और मिचेल के मुंह में रुमाल डाल देता है ताकि वो चिल्ला भी नहीं पाए। फिर वो मिचेल को वहीं पर लटका हुआ छोड़कर डेविड वहाँ से चला जाता है, और कई दिनों तक डेविड घर पर नहीं आता है, लेकिन मिचेल वहीं पर भूखी प्यासी लटकी रहती है। मिचेल के गायब होने पर जून ने पुलिस को ये बात बताई, और पुलिस को ऐसा लगा था कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए मिचेल कहीं पर चली गई है। जून भी यही मानकर मिचेल को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है, और मिचेल का केस वहीं पर बंद हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में डेविड वापस आता है मिचेल को खाना खिलाने के लिए, लेकिन मिचेल खाना खाने से मना कर देती है। तब डेविड मिचेल को स्टेयर से घसीटकर बेसमेंट में ले जाकर उसका रेप करता है, और रेप के बाद में डेविड मिचेल को उसके सेक्सुअल सर्विस के लिए पैसा भी देता है। मिचेल हमेशा से ही अपने बेटे जॉय के बारे में सोचती थी, लेकिन डेविड उसे कहता है कि सब लोग उसे भूल चुके होंगे क्योंकि उसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। डेविड मिचेल को चेन से बंद करके उसके सर में एक हेलमेट डाल देता है, और डेविड का जो भी मन करता था वो मिचेल के साथ में किया करता था। अब उसी रात को डेविड की माँ एना उससे मिलने के लिए आती है, और मिचेल बहुत कोशिश करती है एना को उसके बारे में सिग्नल देने के लिए, लेकिन डेविड एना के साथ में बस थोड़ी ही बात करके उनको वापस अपने घर पर भेज देता है, और एना को मिचेल के बारे में कुछ भी शक नहीं होता है। फिर अब डेविड मिचेल के पास आकर उसको खाना देता है। अब मिचेल को कई दिनों के बाद में खाना खाने को मिल रहा था, तो इसलिए वो उस खाने को खा भी लेती है। अब डेविड जब अपने फ्रेंड से मिलता है तो उनको कहता है कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ से बहुत खुश है, और हर रात डेविड मिचेल के साथ में एक जानवर की तरह बिहेव करके उसके साथ में रेप करता था, जिस वजह से मिचेल के पूरी बॉडी पर घाव हो गए थे। अब डेविड मिचेल को ऊपर के रूम में लाकर उसे चेन के साथ में बांध देता है, और चेन दीवार पर लगी हुई थी जिस वजह से वहां से भागना बिल्कुल नामुमकिन था। मिचेल अपने बेटे को इमेजिन करके जी रही थी कि एक दिन वो यहाँ से छूट जाएगी और अपने बेटे से मिल पाएगी। अब देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं, और मिचेल अब भी डेविड के कैद में थी। अब एक दिन डेविड की बेटी जो कि मिचेल की दोस्त थी और डेविड के भाई की बेटियाँ उसके घर पर पार्टी के लिए आते हैं। मिचेल रूम के अंदर अपने बेड को हिला हिला कर उनको सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले डेविड उन आवाज़ों के बारे में कुछ बहाना बनाने लगता है, और किसी को भी डेविड पर कोई भी शक नहीं होता है। यहाँ पर डेविड अब रूम में आकर मिचेल को पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर अगले दिन डेविड को मिचेल अपने बेटे जॉय की बात बताती है, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अपने बेटे के लिए उसे छोड़ दे, लेकिन डेविड गुस्से में मिचेल की पिटाई करता है और उसे वार्न करता है कि वो अगली बार यहाँ से जाने की बात अपने दिमाग में भी न लाए।
फिर कुछ दिन और बीतते हैं और डेविड मिचेल के लिए एक पपी लेकर आता है, जिसे देखकर मिचेल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद वो मिचेल का रेप करता है। फिर जब वो नींद में थी तो वो मिचेल का लॉक खोल देता है। मिचेल जब होश में आती है तो देखते हैं कि चेन का लॉक खुला हुआ है और ये देखकर वो रूम से निकलने के लिए भागती है। लेकिन असल में ये सब डेविड का एक प्लान था। वो मिचेल की लॉयल्टी देखना चाहता था कि मौका मिलने पर मिचेल उसको छोड़कर भागेगी या वो उसके साथ में रुकेगी, और इसीलिए सजा के तौर पर डेविड मिचेल के सामने उसके पप्पी की जान ले लेता है और मिचेल अब फिर से अकेली हो जाती है। फिर एक दिन डेविड एक और लड़की अमेंडा को किडनैप करके अपने घर पर लाता है। अमेंडा भी भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन डेविड उसको बहुत मारता है और अमेंडा बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार अमेंडा की फैमिली, पुलिस और बाकी लोग अमेंडा को ढूंढने लगते हैं। सभी तरफ अमेंडा के मिसिंग पोस्टर भी लगाए जाते हैं और ये सभी न्यूज़ मिचेल और अमेंडा डेविड के टीवी पर देख रही थी। उसी दिन डेविड मिचेल को कुछ देर रूम के बाहर रखकर अमेंडा का रेप करता है और उसके बाद डेविड दोनों को धमकी देता है कि अगर उन दोनों ने इस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो दोनों को जान से मार देगा। मिचेल वहाँ से भागने का प्लान बनाना चाहती थी लेकिन अमेंडा डेविड से इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और मिचेल अब अपने बेटे जॉय को बहुत याद करती थी। एक दिन जब डेविड मिचेल का रेप करने वाला था तब उसे पता लगता है कि मिचेल प्रेग्नेंट है और ये जानकर डेविड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। मिचेल फिर एक नेल कटर से डेविड को धमकी देती है ताकि वो उसके अनबोर्न बेबी को नुकसान नहीं पहुँचाए। तब डेविड एक डंबल से मिचेल के स्टोमक पर चोट पहुँचाता है जिसके बाद मिचेल का वहीं पर मिसकैरेज हो जाता है और उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि डेविड कितना ज़्यादा क्रूअल है। फिर नेक्स्ट डे डेविड मिचेल को घर के बैक गार्डन की तरफ ले जाता है ताकि वो उससे कुछ काम करवा सके, और मौका मिलते ही मिचेल एक बूढ़े नेबर को हेल्प का सिग्नल देती है जिसके बाद मिचेल को लगता है कि पुलिस उसकी मदद करेगी। पुलिस वहाँ पर आती तो है लेकिन किसी और इंसिडेंट के लिए, और पुलिस को मिचेल और अमेंडा के बारे में पता भी नहीं चलता है। फिर हार मानकर मिचेल अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है लेकिन अपने बेटे जॉय को एक बार देखने की उम्मीद में वो सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देती है। तो अब एक दिन ऐसा होता है कि डेविड वॉल में एक चेन लगाता है और उसी दिन एक औरत पुलिस को डेविड के घर के बारे में कंप्लेन करती है कि डेविड के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आया करती है। लेकिन पुलिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अगले दिन डेविड जीना नाम की एक और लड़की को किडनैप करके अपने घर पर लेकर आता है। उसने जीना, मिचेल और अमेंडा के हेयर को पूरा काट दिया था और घर के हर तरफ अलार्म बेल लगा दी थी ताकि वे लोग अगर भागने की कोशिश भी करें तो डेविड को पता चल जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि मिचेल को अभी भी यकीन था कि वो तीनों डेविड से लड़कर यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन जीना और अमेंडा डेविड से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जीना की भी फैमिली वाले, पुलिस, मीडिया और बाकी के लोग जीना को ढूंढने में लगे हुए थे और जीना की भी मिसिंग पोस्टर सभी तरफ लगाई गई थी। जीना के पेरेंट और बहुत से लोग जीना के नाम पर कैंडल भी जलाते हैं और वहाँ पर डेविड भी आकर जीना के नाम पर कैंडल जलाता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो कि जीना और बाकी के लड़के कहाँ पर हैं। वो जीना के पेरेंट का सपोर्ट भी करता है और उन्हें हिम्मत भी देता है, और किसी को ये शक तक नहीं होता है कि इसी आदमी ने जीना और बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया होगा। फिर घर आकर डेविड टीवी में उन सभी को जीना की न्यूज़ दिखाता है और मिचेल को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि किसी ने उसको ढूंढने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। मिचेल फिर भी बाकी लड़कियों को हिम्मत देती है और उनके साथ में एक्सरसाइज करती है ताकि एक दिन वे लोग डेविड के साथ में फाइट करके वहाँ से भाग पाए। मिचेल अपने बेटे जॉय का हर बर्थडे याद करती थी और जॉय अब तक 7 साल का हो चुका था। फिर एक दिन न्यूज़ से उनको पता चलता है कि अमेंडा की माँ हार्ट की बीमारी से मर चुकी है और अमेंडा की माँ के आखिरी समय पर अमेंडा उनके पास भी नहीं थी। फिर अगले दिन डेविड उनके अच्छे बिहेवियर के कारण उन सभी की चेन को खोल देता है और ब्रेकफास्ट के टाइम पर डेविड मिचेल और जीना को अमेंडा के प्रेग्नेंट होने के बारे में बताता है। डेविड ने मिचेल के बेबी को तो मार दिया था लेकिन वो अमेंडा की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही खुश था। फिर कुछ महीनों बाद अमेंडा को लेबर पेन होता है और मिचेल और जीना मिलकर अमेंडा की डिलीवरी करवाते हैं। अमेंडा की आवाज़ बाहर न जाए इसलिए डेविड लाउड म्यूजिक चलाता है और हम देखते हैं कि अमेंडा को एक बेटी होती है लेकिन उसकी बच्ची सांसें नहीं ले थी। फिर किसी तरह मिचेल बेबी को CPR देकर बचा लेती है। अब धीरे धीरे अमेंडा की बेबी रीटा बड़ी होने लगी थी और डेविड रीटा और अमेंडा को बहुत प्यार करता था और उनके लिए बहुत अच्छा बिहेव भी करता था। अमेंडा और रीटा को डेविड ने अपनी फैमिली मान लिया था लेकिन जीना और मिचेल के लिए डेविड जानवरों की तरह बिहेव करता था। रीटा को अपने पिता डेविड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे ये तक नहीं पता था कि उसका पिता एक रेपिस्ट है। मिचेल को तो रीटा अपनी आर्ट टीचर और अपनी माँ अमेंडा की बहन मानती थी। रीटा जीना और मिचेल के साथ में बाहर घूमना चाहती थी लेकिन डेविड रीटा को परमिशन नहीं देता है। अब रीटा की जिद करने पर डेविड रीटा के ऊपर हाथ उठाने वाला था लेकिन अमेंडा डेविड को रोक लेती है और उस रात डेविड मिचेल को बैक गार्डन की तरफ ले जाता है और उससे काम भी करवाता है। मिचेल डेविड से पूछती है कि वो कब उनको छोड़ने वाला है।
लेकिन डेविड उनको छोड़ने नहीं वाला था और ना ही उनका मर्डर करने वाला था। वो ये नहीं चाहता था कि उनको छोड़ने के बाद में किसी को भी उसके सच्चाई पता चले कि वो किस तरह का घटिया आदमी है और लोगों के सामने उसकी एक परफेक्ट इमेज बनी हुई है। अब अगले दिन डेविड को बुखार आता है और रीटा के कहने पर वो घर के बाहर जाता है अपनी दवाइयाँ लेने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी में डेविड घर के मेन डोर का एक लॉक लगाना भूल जाता है और शायद यही मौका था उन सभी के यहाँ से आज़ाद होने का। रीटा एक बात जाकर एमेंडा को बताती है और एमेंडा दरवाजे के पास जाकर मदद के लिए चिल्लाती है। एमेंडा की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ पर आकर उस दरवाजे को तोड़कर उनको बाहर निकालते हैं। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आकर मिचेल और जीना को भी बाहर निकालती है और कई सालों के बाद में उनने इस केस से निकलकर बाहर की हवा को महसूस किया था। सभी जानकर शॉक्ड थे कि सालों पहले मिसिंग हुई लड़कियां उनके पास के ही एक घर में कैद हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। पुलिस ने डेविड को भी अरेस्ट कर लिया था, तो अब जीना एमेंडा और मिचेल को डरने की कोई भी बात नहीं थी। तीनों को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मिचेल सालों के टॉर्चर से इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो अपने पास किसी भी इंसान को आने नहीं देती थी। यहाँ तक कि मिचेल एक मामूली रुमाल से भी डरती थी क्योंकि डेविड ने किडनैपिंग के टाइम पर रुमाल से उसका मुंह बंद कर दिया था। जीना और एमेंडा अपनी फैमिली से मिल चुकी थी, लेकिन मिचेल का जॉय के अलावा कोई भी अपना नहीं था। फिर FBI ऑफिसर जैक मिचेल से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा और वो उसे उसके बेटे से भी मिलवाएगा। जैक मिचेल को खाना भी देता है और सालों बाद मिचेल ने गर्म खाना खाया था, नहीं तो डेविड हमेशा से उसे बचा हुआ खाना ही खिलाया करता था। अगले दिन मिचेल की माँ जून उसे मिलने के लिए आती है, लेकिन मिचेल उनसे बात नहीं करती है क्योंकि मिचेल के गायब होने पर जून ने उसको ढूंढने की जरा से भी कोशिश नहीं की। उल्टा इस शहर को छोड़कर वो फ्लोरिडा चली गई। अब हॉस्पिटल के बाद जैक मिचेल को एक होटल में रहने देता है और मिचेल फिर जीना से मिलती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वह सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जिएंगे। अब कुछ दिन के बाद में जैक से मिचेल को पता चलता है कि जॉय के नए पेरेंट ये नहीं चाहते हैं कि मिचेल जॉय से मिले क्योंकि इससे जॉय के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है, लेकिन अगर मिचेल चाहे तो कोर्ट में केस फाइल करके जॉय से मिल सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद में मिचेल जैक को अपना डिसीजन बताती है कि वह जॉय से कभी भी नहीं मिलना चाहती है क्योंकि जॉय से मिलकर वो उसकी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मिचेल को अगले दिन कोर्ट में बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, जहाँ पर मिचेल बताती है कि डेविड ने उसे 11 सालों तक उसके बेटे से दूर कैद में रखा, तो इसलिए वो भी यही चाहती थी कि डेविड पूरी ज़िंदगी जेल के कैद में बंद रहे। फिर कोर्ट से आने के बाद में जैक मिचेल को उसके बेटे जॉय की एक फ़ोटो देता है, जिसे देखकर मिचेल को बहुत खुशी मिलती है। डेविड को कोर्ट से 1000 साल तक की सज़ा मिलती है, लेकिन जेल में सिर्फ एक साल रहने के बाद ही वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी रियल लाइफ मिचेल की कहानी है, जहाँ पर एरियल कैस्ट्रो नाम के एक आदमी ने उसको 11 साल तक अपने घर में जानवर की तरह कैद करके रखा। मिचेल का उसने रेप किया और उसको कई सालों तक टॉर्चर भी किया। मिचेल की ही तरह और दो लड़कियों को भी उसने इसी तरीके से कैद किया था। एक बार मिचेल जब प्रेग्नेंट हुई थी तो एरियल कैस्ट्रो ने उसके बेबी को ही मार डाला था। मिचेल तो 11 सालों तक कैद में रही, लेकिन एरियल कैस्ट्रो जेल में एक महीना भी कैद नहीं रह पाया और उसने सुसाइड कर लिया। इन 11 सालों में मिचेल का बेटा उससे दूर हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे जॉय की अच्छी लाइफ देखकर बहुत खुश थी। अपनी ज़िंदगी के भयानक दिनों पर मिचेल ने एक बुक भी लिखी और आज उसी बुक की वजह से लाखों लोगों को जीने की हिम्मत मिलती है और इस मूवी की कहानी भी मिचेल की उसी बुक से ली गई है। दोस्तों, हमने इस मूवी में देखा कि मिचेल और बाकी की तीन लड़कियों को कई सालों तक कैद करके रखा, लेकिन डेविड को जब सज़ा मिली तो उसने एक साल के अंदर ही आत्महत्या कर ली, जिससे हम समझ पाते हैं कि सिर्फ एक साल की कैद डेविड नहीं सहन कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन वहीं पर मिचेल 11 साल तक कैद में रही और उसके बावजूद उसका रेप भी हुआ और टॉर्चर भी हुआ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक माँ होने की वजह से उसको इतनी हिम्मत मिली कि वो 11 सालों तक इस टॉर्चर को सहन कर पाई, लेकिन अंत में उसने अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे भी सेक्रीफाइस कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा।